हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं आज हम भाई। ये हार्ड डिस्क क्या होती है? ये होती है इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती है। इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो क्या होती है? बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इट इज अ मैग्नेटिक डिस्क, ये क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क होती है ऑन विच द डेटा कैन बी स्टोर, जिसके अंदर डेटा क्या होता है स्टोर किया जा सकता है या किया जाता है। इनसाइड द हार्ड डिस्क अ सर्कुलर डिस्क इज प्रेजेंट, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है हमारी, इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसके अंदर क्या कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ, जो बनी होती है पॉलिश स्टील की, पॉलिश स्टील की बनी होती है। द हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ द कलेक्शन ऑफ दिस डिस्क, भाई जो हार्ड डिस्क होती है इन इस तरीके की डिस्क की बनी होती है, विच इज आर नोन एज प्लेटर्स, जो कि प्लेटर्स के नाम से जानी जाती है। द कंप्यूटर स्टार्ट वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हार्ड डिस्क, जो हमारा कंप्यूटर है वो स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? जब हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा होता है उसको रीड कर लेता है तब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। कुछ टिप्स दी गई है, 1 TB = 1 TB, यानी कि हमने बताया था या पीछे भी हमें पिछले चैप्टर पिछले पेज पर हमने पढ़ा था, रीड किया था क्या कि जीबी तक भी 1 TB = 1 GB। अब 1 GB तो हो गया, अब 1 GB मतलब जीबी को टीबी में कन्वर्ट करना है तो 1 TB कितने का होता है? 1024 GB, 1 TB के कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट आता है फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी डिस्क क्या कहता है? स्टोर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, तो फ्लॉपी डिस्क ये हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है, दो साइज में होती है बेटा ये, एक होती है फ्लॉपी 3.5 इंच में, दूसरी होती है 5.25 इंच में। इसमें बहुत ही कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट इज यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो ये यूज की जाती है किस लिए यूज की जाती है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फाइल्स और डेटा इन सेफ प्लेस, तो ये क्या है भाई, साथ साथ में ये डेटा और जो होता है फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करने का एक सेफ माध्यम है, इसको स्टोर भी किया जा सकता है, इसके अंदर स्टोर भी किया जा सकता है। फ्लॉपी इज इंसर्टेड इन द फ्लॉपी ड्राइव, जो फ्लॉपी होती है कंप्यूटर के अंदर एक फ्लॉपी ड्राइव होता है उसके अंदर इंसर्ट की जाती है। अब कहते हैं नाउ ए डेज फ्लॉपीज आर नॉट मच इन यूज, इन फैक्ट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सीडी और डीवीडीज, तो क्या कहते हैं भाई आजकल क्या है बेटा, ये जो फ्लॉपी डिस्क है अब ये यूज नहीं होती है, ना के बराबर यूज होती है, कहीं कहीं पर भी यूज होती होगी बट इसका यूज बहुत कम हो गया है, तो इसका स्थान किसने ले लिया है? ये ले लिया सीडीज और डीवीडीज ने, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसके अपेक्षा काफी कई गुना ज्यादा होती है। फ्लॉपी डिस्क इज अवेलेबल इन टू साइज, अभी मैंने बताया दो साइज में अवेलेबल होती है, वन इज 3.5 इंच एंड अदर इज 5.25 इंच इन साइज रिस्पेक्टिवली। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.8 इंच डिस्क इज 1.44 MB, तो जो 3.5 इंच की होती है ये वाले, इनका होता है साइज 1.44 MB में इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड जो 5.25 इंच की डिस्क होती है इसकी होती है 1.2 MB इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा पेनड्राइव, तो पेनड्राइव में कर लेते हैं, दिस इज स्मॉल डिस्क डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा और फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, भाई ये क्या होता है हमारी पेनड्राइव, जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, ये क्या करती है डेटा को ट्रांसफर कर, छोटा सा डिवाइस होता है और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह अगर हम लेके जाना है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो हम इसका यूज करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ पेनड्राइव इज दैट, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी मुख्य फीचर विशेषता जो है वो क्या है, वी कैन कैरी अवर डेटा और इम्पोर्टेंट फाइल्स इन इट एनीवेयर, भी हम इसमें के अंदर हम अपनी फाइल्स और डेटा को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। क्या कहता है, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है, रिम्यूवेबल होती है, रिराइटेबल होती है, भाई छोटी हो गई रिम्यूवेबल यानी इसको हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में लगा भी सकते हैं और हटा करके भी काम कर सकते हैं। रिराइटेबल होती है यानी कि एक बार डेटा इसके अंदर डल गया तो उसको हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं, काट सकते हैं, दोबारा उसके अंदर नया डेटा उसके अंदर फिल कर सकते हैं। एंड लाइट वेट, भाई जब साइज में छोटी होगी तो इसका वेट भी लाइट होगा। एंड स्टोरेज डिवाइस पे क्या आता है, स्टोरेज इट कम्स इन वेरियस कैपेसिटी रेंज, ये क्या है भाई बहुत सारा इसकी जो कैपेसिटी रेंज है अलग अलग साइज में आती है, जैसे 512 MB से लेकर के 32 GB तक इसका स्टोरेज कैपेसिटी होती है। 32 GB तो इसमें क्या है, हम ये बेटा इसका साइज और भी बढ़ गया है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सीधी सी बात है इनमें भी टेक्नोलॉजी का इफेक्ट आएगा, तो ये 64 GB या इससे आगे भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आ गई है। अब कहते हैं पुआ काइन
सैमसंग ऑफ मलेशिया इन्वेंटेड यूएसबी पेन ड्राइव, तो किसने बनाई थी, तो इन्होंने ये पेन ड्राइव बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सीडी रोम का। सीडी रोम क्या होती है, तो ये होती है इट इज वेरी यूजफुल इन्वेंशन एज ए स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। भी ये क्या है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला उपयोगी इन्वेंशन है, किसके लिए, स्टोरेज डिवाइस के लिए, किसमें, कंप्यूटर के लिए। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जो सीडी रोम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके अंदर एक बार जो डेटा राइट हो गया वो क्या है, दोबारा एडिट नहीं होगा। इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लार्ज में यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। एंड इट्स मेजर एडवांटेज इज इट्स पोर्टेबिलिटी। मतलब इसकी जो मेजर एडवांटेज है वो क्या है, इसकी पोर्टेबिलिटी है। वी कैन स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा बाय द हेल्प ऑफ सीडीज। ठीक है, तो हम इसके सीडीज की सहायता से इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीडी रोम्स आर अवेलेबल इन टू फॉर्म्स। दो तरीके के सीडी रोम्स आते हैं, CDR और CDRW। तो CDR क्या होता है, इट स्टैंड फॉर सीडी रिकॉर्डेबल, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी जिसके अंदर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दिस द डेटा कैन बी रिटर्न ओनली वंस, जिसके अंदर हम डेटा क्या है एक बार ही राइट कर सकते हैं। लेटर इट कैन ओनली बी रीड, और उसके बाद ये केवल रीड की जा सकती है, चेंज नहीं किया जा सकता इनके अंदर। तो सर आता है RW का मतलब होता है रिराइटेबल। इन दिस द डेटा कैन बी रिटर्न अगेन एंड अगेन, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेटा को बार बार राइट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इरेजेबल सीडी, जिसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, किस नाम से, इरेजेबल सीडी के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सीडी ड्राइव। तो सीडी ड्राइव क्या होता है, ये होता है हमारा दिस डिवाइस इज नीडेड टू रीड सीडी रोम, यानी कि जो हम सीडी रोम की बात कर रहे हैं, सीडी की बात करें, गोल सर्कुलर फेस की होती है ये, तो इसको क्या क्या कहता है, इसको रीड करने के लिए किसकी यूज होती है, तो वो होता है सीडी रोम ड्राइव होता है। नेक्स्ट आता है सीडी राइटर। तो राइटर क्या करता है, इट इज इनबिल्ट इन सीडी रोम। ये क्या होता है, सीडी रोम ड्राइव के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट होता है। इट कैन राइट ऑन ब्लैंक सीडी, ये क्या है, ब्लैंक सीडी के अंदर राइट करता है। एंड बट कैन नॉट इरेज और रीराइट ऑन इट, बट केवल राइट करने का काम करता है सीडीज के अंदर, परंतु उसके अंदर इरेज का करने का या रीराइट करने का ऑप्शन नहीं होता। सीडी आरडब्ल्यू ड्राइव, अब सीडी आरडब्ल्यू ड्राइव जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, दोनों काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, कैन राइट ऑन बोथ नॉर्मल सीडीज एंड सीडी आरडब्ल्यू। इट कैन इरेज एंड मॉडिफाई द डेटा ऑल्सो, इसके अंदर हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जो सीडी रोम है वो पहली बार अनाउंस की गई थी इन 1983 के अंदर, सबसे पहले आई थी, बट कम इन टू मास मार्केट मीडियम इन मिड 1990s, परंतु मार्केट तक आते आते इसको टाइम लग गया था, 1990 तक ये मार्केट के अंदर मतलब ठीक तरीके से ये आ पाई थी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डीवीडी का, इट स्टैंड फॉर डिजिटल वेस्टल डिस्क। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वेस्टल डिस्क होती है। इट इज स्मॉल सिमिलियर टू सीडी, ये बिल्कुल सीडी के समान होती है, यानी जितना साइज उसका होता है सेम साइज इसका इतना होता है, बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है उससे कहीं ज्यादा होती है। तो सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो स्टोरेज कैपेसिटी होती है भाई हमारी 700 MB होती है। सीडी की कितनी होती है, 700 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बट इसकी जो डीवीडी का हम बात कर रहे हैं, तो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी जो है सीडी की अपेक्षा ज्यादा होती है। बट इट्स डेटा स्टोरेज कैपेसिटी इज 5 times मोर देन सीडी, यानी कि 25 times ज्यादा होता है, गुना ज्यादा होता है। वी कैन यूज डीवीडीज फॉर प्लेइंग सॉन्ग्स, वॉचिंग मूवीज, गेम्स, एनसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा। यानी कि डीवीडीज के अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं भाई, मूवी वगैरह डाल सकते हैं, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं, ज्यादा मात्रा में अगर आपको सॉन्ग डालने हैं या गेम्स डालनी है या कोई एनसाइक्लोपीडिया का कोई काम करना है। द बेसिक टाइप ऑफ डीवीडी इज 12 cm इन डायमीटर एंड सिंगल साइडेड। तो भैया जो डीवीडी होती है वो सिंगल साइडेड यूज होती है, डबल साइड यूज नहीं कर सकते इसको, यानी एक साइड में राइट होती है। और इसका डायमीटर जो होता है, यानी कि जो बीच में डायमीटर होता है इसका, ये डायमीटर होता है 12 cm का। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे।
चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं अपना, और डायरेक्टली मेरे को फोन कॉल से या किसी भी तरीके से आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आप इसकी एक्सरसाइज कर पाएंगे। तब तक आपको जितना चैप्टर आपने पढ़ा है इस चैप्टर के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको करना क्या है, जितनी भी फुल फॉर्म इसके अंदर यूज हुई हैं, जितने भी शॉर्ट फॉर्म यूज हुई हैं, उन सभी की फुल फॉर्म को आपने अपनी फेयर नोटबुक में आपको करना है। जब तक के लिए आपका ये होमवर्क है। ओके, थैंक यू।